मूर्खा का कहना चुप रहना। न्यू तो यह बात तुम्हारे बड़े बड़े दौर आए थे, लेकिन आज यह बात मैं जिसकी खातिर कहने जा रही हूँ, भाई अपने देश में एक बीजेपी की नेत्री है और किसानों के ऊपर सवाल उठा रहा है और मतलब बार बार लाइव आके ने अपने मुंह ने खोला है और दो चार लोगों की मुंह की खावे भी है। न्यू कुछ है न्यू के बोली बीजेपी का बिगाड़ोगे वो सरकार तारा खातर करे, भाई हमने को नहीं करवाना, नहीं करवाना। और सबसे बड़ी बात सुन ले बेबे, तेरे खातिर यह बात बोलू, जे तू किसाना की खातिर कहोगे तड़के फिर केस कर दिया अंडेगी जिस तरह पाछा कर दिया अंडी। तेरे पे आखिरी हथियार FIR का है और उस टाइम हमें डर दे कोने किसान आंदोलन का चलते मारे ऊपर ओ भी ली, नहीं डरते हम उससे। आगे आवांगे नहीं उस दिन तेरी जुबान ने भी खेच लेवांगे। तने बोलना नहीं आंदा तो अपनी चोंच ने बंद रख सका है, जिसकी खातिर बनी है तू वो काम कर ले। पहले भी मारी नजर में कुछ नहीं थी, आज जमा गिर गई और आने वाले टाइम में भी गिर जाएगी। पर मतलब शर्म महसूस करेगी तेरी आने वाली पीढ़ी कि किसानों के बारे में मेरी माँ ने क्या बोला था। तो बेबे चुप रहा कर, तने ना बोलना आंदा हो तो एक बार फिर तो कहूंगी मूर्खा का गहना और चुप रहना। तू बीजेपी का चमची मारा है मार मामले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसानों के बारे में अगर आगे तो कुछ भी कह दिया नहीं तो भाई हमसे बुरा कोई नहीं होगा, किसानों से बुरा आपके लिए कोई भी नहीं होगा। जय किसान।